हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने मोटोरोला एज 30 प्रो एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अलार्म साउंड सेटिंग को आप जो है डिसेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑफ कैसे कर सकते हैं, और ये अलार्म साउंड सेटिंग जो है डिसेबल करने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करेगी, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पर जो है वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है। इसके बाद आपको सेटिंग पेज में नीचे की साइड आना है और यहाँ पर आपको साउंड का ये ऑप्शन मिलेगा, इसे सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद आपको साउंड के इस पेज में नीचे की साइड आना है और यहाँ पर आपको डिफॉल्ट अलार्म साउंड का ये ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, इसे आपको सिलेक्ट करना है। अब यहां पर आपका ये डिफॉल्ट अलार्म साउंड का एक न्यू पेज आ जाएगा, इसमें आपको पेज को जो है नीचे की साइड में स्क्रॉल करना है। ठीक है, तो नीचे की साइड स्क्रॉल कीजिए इस तरीके से, तो आपको सबसे ऊपर ये फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन नोन का मिलेगा, इसके सामने वाले सर्कल पे टिक मार्क लगा देना है। ठीक है, तो और इसके बाद आपको इसे नीचे की साइड में ओके कर देना है। तो इस तरीके से आपकी जो अलार्म साउंड सेटिंग है ये आपकी डिसेबल हो जाती है। ठीक है, अब ये सेटिंग जो है डिसेबल होने के बाद काम कैसे करती है ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो जब जो भी आपने अलार्म जो है अपने मोबाइल फ़ोन पे सेट कर रखा होगा, जब वो अलार्म अपने समय पे ऑन होगा, ठीक है, चालू होगा, तो आपका अलार्म जो है एक नॉर्मल सी साउंड क्रिएट करेगा जो कि आपके मोबाइल फ़ोन की डिफ़ॉल्ट सिस्टम में जो है पहले से ही सेट होती है। ऐसा नहीं है कि आपने अलार्म साउंड को डिसेबल कर दिया है तो आपका मोबाइल फ़ोन कोई भी साउंड क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, वो साउंड क्रिएट करेगा लेकिन आपके मोबाइल फ़ोन की डिफ़ॉल्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग जो सेट हो रखी होती है आपके मोबाइल सिस्टम में, वो वाली साउंड क्रिएट करेगा। ठीक है, और ये जो अलार्म साउंड के इस पेज में ये जो काफ़ी सारी जो साउंड दे रखी है, ठीक है, इनमें से किसी भी साउंड, इनमें से जो है कोई भी साउंड क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, ये वाली साउंड कोई भी क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी समझ में आ रही होगी। आप चाहे तो इसे यूज़ करके ज़रूर देखिए। ठीक है, अब मैं आपको जो है सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ। आपके मोबाइल फ़ोन में आपको सेटिंग पेज ओपन करना है, सबसे ऊपर आपको सर्च सेटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, इसे सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है अलार्म साउंड। ठीक है, तो जो सेटिंग का नेम है वो आपको टाइप करना है, तो नीचे की साइड आपको डिफॉल्ट अलार्म साउंड का ऑप्शन मिलेगा, इसे सिलेक्ट कर लेना है। इससे होता क्या है कि आपका मोबाइल फ़ोन आपको खुद ब खुद डायरेक्टली इस सेटिंग में लेकर आ जाता है और इस सेटिंग को हाईलाइट करके दिखाता है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका बता दिया इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फ़ोन में।